गांधी मूर्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत वीर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। बता दें कि अमरोहा जननगर के स्टेशन रोड पर स्थित गांधी मूर्ति पर आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने भारत के वीर शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति की भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के वीर शहीद सैनिकों की जय का नारा लगाया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने अमरोहा के लोकल पुलिस पर उनके इस कार्यक्रम को रोकने के प्रयास का आरोप भी लगाया। अध्यक्ष बताइए क्या है? हमारे हिंदुस्तान के जो बहादुर सैनिक लद्दाख सीमा पर शहीद हुए हैं, बी संतोष कल्लर बाबू, 16 सब जवान हमारे बिहार रेजिमेंट के और अन्य 4, उनकी शहादत में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी और हमारे तमाम साथियों ने चौधरी समीम मयूर, खुशतर मिर्जा, परवेज सिद्दीकी, फैज आलम रायनी, फरमान हैदर और हमारे सैरत प्रवेश टिटू, चौधरी सुखराज सिंह, अलीमाम रिजवी और निरालिमी अंसारी साहब ने उन तमाम देश पर शहादत देने वाले वीर शहीदों को सलाम किया है और उनकी गाथा गाई है। और हमने आज उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, भाजपा की सरकार, उसने इतनी हिटलरशाही पर उतर आई है कि देश पे मर मिटने वाले शहीदों को सलाम भी नहीं करने दे रहे हैं, उनकी शहादत को याद भी नहीं करने दे रहे हैं। आज हम उन वीर शहीदों की सलाम करने के लिए यहाँ खड़े हुए थे तो यहाँ के जो लोकल पुलिस प्रशासन है उसने हम लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया। इसकी हम निंदा करते हैं, परंतु कांग्रेस का सिपाही हिंदुस्तान के शहीदों के बलिदान को सलाम करने आया है वो पुलिस की कार्रवाई से या सरकार की कार्रवाई से या योगी जी की पुलिस से डरने वाला नहीं है। हम लोग का कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक था, हम 12 बजे यहाँ से जाएंगे और अपना पूरा कार्यक्रम करेंगे। एक बार फिर हमारा देश पर मर मिटने वाले शहीदों को सलाम। और जब योगी जी की सरकार की पुलिस हमारे साथ या और लोगों के साथ ये व्यवहार कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। जी बताइए। मैं परवेज आरिफ टीटू, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी अमरोहा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से सवाल करता हूँ, क्या ये उचित है कि जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए सीमाओं पर शहादत दी जिन्होंने, उन शहीदों को नमन करना, उन शहीदों को याद करना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना कौन से अपराध में आता है भाई? आज हमारा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश